सीओपीडी, जिसका फुल फॉर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक लंग का ही डिजीज है। काफी हद तक आम जनता को अस्थमा, सीओपीडी, ये सारी बीमारियां एक जैसी लगती है, पर उनमें कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहती है जो कि डॉक्टर पहचान लेता है। तो सीओपीडी में तीन उसके सब टाइप्स बोल सकते हैं। तो उसमें आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और स्मॉल एयरवे डिजीज। तो ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा ये यूजली लोगों ने सुने हुई बीमारियां रहती है। तो सीओपीडी अस्थमा कुछ ऐसा ही प्रकार रहता है जहाँ पे बेसिकली पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसी वजह से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। सीओपीडी का मेन कॉज पूरे जग में जो है वो है सिगरेट, सिगरेट स्मोकिंग, बेसिकली टबैको स्मोक। दैट इज द मोस्ट कॉमन और मोस्ट एसोसिएटेड, मतलब वो हर जगह पे वही दिखाया है कि सिगरेट स्मोकिंग से काफी नुकसान होता है। दूसरा, आज तो शहरों में हर कोई गैस यूज करता है, पर गाँव में जहाँ पे चूल्हा अभी भी जलता है और जहाँ पे वेंटिलेशन बराबर नहीं होता, तो चूल्हे के धुएं से भी सीओपीडी हो सकता है। उसके कुछ सब टाइप्स रहते हैं। एक रहता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हम किसे कहते हैं? तो अगर किसी पेशेंट को 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 महीने से ज्यादा खांसी और जिसके साथ बलगम भी बन रही है, अगर हो रहा है तो उन्हें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये बीमारी हो सकती है। और एम्फाइसीमा जो बीमारी रहती है उसके लिए टेस्ट से ही पता चल जाता है। तो बेसिकली डायग्नोसिस के लिए हम लोग 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो रहता है कि हम लोग को हमें इमेजिंग लगता है, इमेजिंग यानी चेस्ट का एक्सरे या फिर छाती का सीटी स्कैन, जिससे हम लोग को पता चले कि छाती में कोई एबनॉर्मेलिटी दिख रही है क्या। और दूसरा, जिस तरीके से अस्थमा का डायग्नोसिस रहता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नाम की एक जांच रहती है जिससे हमें पता चल जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स उसमें रहते हैं जिससे पता चल जाता है कि किस प्रकार का दोष है। सीओपीडी के कॉमन सिम्टम्स रहते हैं खांसी, बलगम बनना, छाती में भारीपन, सांस लेने में दिक्कत, और काफी बार सीओपीडी के पेशेंट्स को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते रहते हैं। सीओपीडी का जब फ्लेयर अप होता है, ज्यादा करके वो इन्फेक्शन की वजह से होता है काफी बार, कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स का, थ्रोट का, और उसकी वजह से उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो फ्लेयर अप में बेसिकली जो भी उनके सिम्टम्स रहते हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो खांसी बढ़ जाती है, बलगम काफी ज्यादा आने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, पेशेंट हांफता है, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि कुछ पेशेंट्स लेट नहीं पाते, उनको कंपलसरी बैठना पड़ता है, आगे झुक जाते हैं क्योंकि उतनी दिक्कत हो जाती है उनको सांस लेने में। ये फ्लेयर अप जो है अगर इन्फेक्शन की वजह से हो, तो जब तक इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं होता तब तक तो रहता ही है। तो ऑन एन एवरेज जब फ्लेयर अप हो जाता है सीओपीडी का, तो हफ्ता भर तो रहता ही है जहां तक वो इन्फेक्शन वगैरह पूरा कंट्रोल हो जाता है और फिर उनके सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सीओपीडी फ्लेयर अप जब भी होता है तो ये बहुत जरूरी है कि आप तुरंत किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ को दिखा दीजिए, क्योंकि उसका कॉज क्या है फ्लेयर अप का वो जानना जरूरी है, और उस पर जो भी बराबर ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए पेशेंट को। सीओपीडी और अस्थमा में मेन डिफरेंसेस तो जो हम डायग्नोसिस के वक्त पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं या अलग तरीके के टेस्ट करते हैं, उनमें तो साइंटिफिकली फर्क पता चल जाता है। काफी बार ये रहता है कि पेशेंट्स को दोनों बीमारियों के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनको अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप भी हो सकता है। और आमतौर पे तो ये अस्थमा है या सीओपीडी बोलना मुश्किल है, मोस्टली तो वो डॉक्टर ही बराबर जांच करके बता सकते कि कौन सा बराबर ये है। पर अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अस्थमा जो है उसका ज्यादा बिनाइन कोर्स रहता है, मतलब वो ज्यादा आसानी से कंट्रोल हो सकता है। और सीओपीडी जो रहता है, जिसमें स्पेशली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, मतलब वो धीरे 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 उसका कोर्स बढ़ता जाता है, मतलब तकलीफें बढ़ती जाती है काफी बार। सीओपीडी जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मेन तो सबसे पहले हम लोग इनहेलर या रोटावायलर देते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं जिसे हम लोग लाबा साबा जो टेक्निकल टर्म्स है, या इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो रहते हैं। ये तो मेन ट्रीटमेंट का मोडालिटी रहती है, मतलब ये स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट रहती है। पर कई बार ऐसे हो जाता है कि सीओपीडी काफी बढ़ जाता है, कुछ सीवियर सीओपीडी के पेशेंट्स रहते हैं, तो उनमें काफी बार घर पे ऑक्सीजन थेरेपी की भी जरूरत होती है, जिसे लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं, जिसमें
पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रहते हैं, उससे पेशेंट को जितना ज्यादा समय वो ले सके उतना वो नेजल कैन्यूला से 16 से 18 घंटा दिन में ऑक्सीजन दिया जाता है। और कुछ पेशेंट्स में एम्फाइसिमा के कुछ पेशेंट्स जिसमें वो फीजिबल रहता है, सर्जरी भी एक प्रकार की रहती है, लंग रिडक्शन सर्जरी वो कुछ पेशेंट्स में की जाती है। बट मेनली फॉर मोस्ट पेशेंट्स तो इनहेलर रहता है और इनहेलर के बाद होम ओ2 थेरेपी रहती है। जिस तरीके से हमें सीओपीडी के कॉजेस पता है, जो कि मेन टबैको स्मोकिंग है, दूसरा इंडोर हाउस फ्यूल बर्निंग जिसे कहते हैं, मतलब चूल्हा का बर्निंग या फिर जो भी फ्यूल यूज कर रहे हैं हम लोग बर्निंग वो, और पोल्यूशन, ये चीजें हैं तो हम लोग जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये अवॉइड कर सके। स्पेशली सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ना ही सीओपीडी बल्कि काफी बीमारियां, कैंसर से लेके हार्ट डिजीज वगैरह हर चीज के लिए स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल, तो स्मोकिंग बंद होना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग रहती है, जिसे सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं, मतलब घर पे अगर आप खुद नहीं स्मोक कर रहे पर घर का कोई परिवार में मेंबर है जो स्मोक कर रहे हैं घर के अंदर, तो उस पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी आपको सीओपीडी हो सकता है और वो भी अवॉइड करना चाहिए।